बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बिजली को पढ़ने की कोशिश करेंगे। बिजली घरेलू वायरिंग या आम वायरिंग, इसको समझने की कुछ हिस्सा इब्तदाई हिस्सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह काम करती है। घरों में ज़्यादातर 220 वोल्ट बिजली एसी 220 वोल्ट बिजली इस्तेमाल होती है घरों में। इसकी वायरिंग करते हुए घरों में जो बिजली आती है उसकी तार पे इंसुलेशन होती है, उस पर इंसुलेशन होती है, रबड़ चढ़ा हुआ होता है। दो कलर की तारें रखनी चाहिए। बिजली के ये बटन है। इस बटन में पतरी लगी होती है, बटन के अंदर यहाँ पे पतरी जुड़ रही है, अलग हो रही है और साथ मिल रही है। यहाँ पे पतरी साथ मिल रही है और अलग हो रही है। ये अलग हो गई है, ये साथ मिल गई है। ये अलग हो गई है, ये साथ मिल गई है। ये अलग हो गई है, ये साथ मिल गई है। ये अलग हो गई है, ये पतरी अलग हो गई है, ये साथ मिल गई है। जब साथ मिल जाती है तो बिजली के कनेक्शन मुकम्मल हो जाते हैं। जब ये बटन है ये दो कलर की तार है, एक रेड कलर एक ब्लैक कलर। रेड कलर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है पॉजिटिव वायर के लिए। पॉजिटिव वायर की निशानी ये है, उस पे टेस्टर रोशन होता है। पॉजिटिव तार पे टेस्टर रोशन होता है। टेस्टर को पीछे यहाँ पे उंगली लगाई जाती है और मतलूबा जगह पे तार पे रखा जाता है। जब टेस्टर रोशन हो जाए तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव तार है। इसको लाल कलर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये बटन के अंदर आ गई है, बटन के अंदर एक पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट से निकल के ये बल्ब में चली गई है। दूसरे पॉइंट से निकल के ये एक पॉइंट पे आई है, दूसरे पॉइंट से निकल के ये बल्ब में चली गई है। ये बटन में एक पॉइंट पे आई है,
लाल तार एक पॉइंट पे आई है, दूसरे पॉइंट से निकल के एक पॉइंट पे आई है, दूसरे पॉइंट से बिजली के पीछे दो पेच हैं, दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट पे आ रही है। जब हम बटन को ऑन करते हैं तो इसकी अंदर की पत्री इस तरह दोनों को मिला देती है, इस तरह दोनों पॉइंट को जोड़ देती है। जिस तरह आपने देखा ये पत ऐसे हो रही है, ये अलग हो रही, ये जोड़ रही, ये अलग हो रही, ये जोड़ रही। अभी मैं कोशिश करूँगा